तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल देखा होगा, इसी तरह फ्रेंड्स ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जहां पे फाइनली कैशबिन ने अनाउंस कर दिया 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट किया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे इनको मेल किया, कस्टमर को यहाँ पे कॉल किया, लेकिन अभी तक के कैशबिन ने कोई भी कदम इसके ऊपर नहीं लिया और कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आज आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूँ कि कैशबिन ने फाइनली अपने कस्टमर को अनाउंस कर दिया और यहाँ पे आपको मिल सकता है 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज अरे वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक ये वीडियो को देखिए। यदि फ्रेंड्स आप कैशबिन यूजर्स है तो डोंट मिस दिस वीडियो, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि कहां पे यहां पे कैशबिन ने किस तरह से अनाउंसमेंट किया, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज यार चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं कि कैशबिन ने यहां पे ट्विटर पे जो अनाउंस किया इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ ट्विटर अकाउंट पे, जहाँ पे फ्रेंड्स कैशबिन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आपके सामने ओपन किया है, जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि किस तरह से कैशबिन ने अनाउंस किया है और किस तरह से आपको यहाँ पे 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ मिल सकता है। बहुत दिनों से बहुत से लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट किया है कि सर हमारा यहाँ पे खर्चा पानी पूरा बंद हो चुका है, हमारा बिजनेस बंद है, हमको सैलरी नहीं है, तो हम किस तरह से कैशबिन का यहाँ पे रिपेमेंट करें। लेकिन कैशबिन की तरफ से कोई भी यहाँ पे अभी तक का यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इनको मेल किया, इनको कांटेक्ट किया और यहाँ पे इवन यहाँ पे फ्रेंड्स फेसबुक अकाउंट पे जाके इनको कंप्लेंट किया, इसके बाद में फ्रेंड्स कैशबिन पे जाके कंप्लेंट किया, लेकिन किसी को यहाँ पे 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ नहीं मिला। और ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे इनके जो कलेक्शन टीम है, इन्होंने बहुत से लोगों को हरासमेंट किया है फोन पे, जहाँ पे ये लोगों को गाली देते थे, इसके बाद में लोगों को हरासमेंट करते थे कि आपको कोई भी कंडीशन में यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, और इसके बाद में फ्रेंड्स लोगों को ये भी बोलते थे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे बैन हो जाएगा, किसी भी तरह का आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैशबिन ने अपने कलेक्शन टीम के अगेंस्ट में एक अच्छा ये एक्शन लिया है, जहां पे फ्रेंड्स इन्होंने अपने कलेक्शन टीम को यहां पे वार्निंग दिया है और इसके बाद में ये अभी आगे भी नेक्स्ट जाके इनके अगेंस्ट में ये कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि कैशबिन ने क्या अनाउंस किया है। 5 तारीख का अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, जहां पे फ्रेंड्स इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमें बहुत से ऐसे ट्विटर पे कंप्लेंट आते थे, जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने एक ट्वीट है जहां पे ये स्पेशली ट्वीट किया है फ्रेंड्स कैशबिन ने अपने कस्टमर के लिए। देखिए फ्रेंड्स इनको बहुत से कंप्लेंट किया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट किया, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया आरबीआई पे, आरबीआई के ट्विटर पे जाके यहाँ पे बहुत से लोगों ने इनकी कंप्लेंट किया। तो फाइनली यहाँ पे कैशबिन ने अपना एक एक्शन लिया है अपने कलेक्शन टीम के अगेंस्ट में, जहाँ पे ये लोगों को हरासमेंट करते थे। और देखिए फ्रेंड्स अभी फाइनली इन्होंने क्या इसके ऊपर बताया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्विटर क्लैरिफिकेशन पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, देखिए फ्रेंड्स इन्होंने एक लेटर जो है पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एक लेटर यहां पे अनाउंस किया है। देखिए मैं ये आपको पूरा बताने वाला हूं कि किस तरह से सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहां पे इनको यहां पे ट्विटर पे जो भी इनके कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई थी इनको अभी इन्होंने सीरियसली लिया है, क्योंकि कंपनी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी है। तो देखिए फ्रेंड्स क्योंकि आरबीआई के अंडर में आने वाली एनबीएफसी, तो इनको कोई भी कंडीशन में इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी था। तो बहुत से लोगों ने यहां पे जिस तरह से कंप्लेंट किया, जिस तरह से इनको फोन किए, जिस तरह से इनको मेल किया, इसी प्रकार इनके कलेक्शन टीम के अगेंस्ट में पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अभी एक्शन ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि हम हमारे स्टाफ के ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी इन्होंने गाली गलौज या जिस तरह से लोगों को हरासमेंट किया है ये सभी हम अभी रोक देंगे, इसके बाद में इसका किसी भी तरह का कस्टमर को तकलीफ नहीं होगा। और इन्होंने फ्रेंड्स अभी एक नया जाहिर किया है, देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है यहाँ पे जो बॉक्स में आपको कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर मेल आई डी नंबर यहाँ पे पूरा इन्होंने नया रजिस्टर्ड किया है, जिसके ऊपर आप कंप्लेंट कभी भी कर सकते हैं, इंस्टेंट आपका सॉल्यूशन यहां पे आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कोविड-19 रिलीफ ईमेल फॉर 3 मंथ मॉरेटोरियम कंसर्न, देखिए फ्रेंड्स यहां पे यदि इंस्टेंट आपको यहां पे 3 मंथ का आपको यदि ईएमआई रिलीफ चाहिए तो आपको ये मेल आईडी के ऊपर जाके इनको मेल करना होगा। देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर आप जैसे ही मेल कर देंगे आपको 3 मंथ का इंस्टेंट मॉरेटोरियम मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है, यदि आपको फास्ट 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ चाहिए तो यहाँ पे जाके आपको इनको कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कस्टमर केयर नंबर भी है, इसके बाद में यहाँ पे इनका कस्टमर केयर मेल आईडी भी है, इसके बाद में यहाँ पे ग्रीवियंस ईमेल जो है यहाँ पे ये भी है, इसको आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ये अभी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक्शन ले लिया है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, इसीलिए फ्रेंड्स इन्होंने इनके ट्विटर अकाउंट पे अनाउंस कर दिया है। और फ्रेंड देखिए कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स ये अप्लीकेशन में भी अनाउंस कर देंगे कि यहाँ पे 3 मंथ का यहाँ पे किस तरह से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का गुड न्यूज जो अभी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने दिया, यानी कि फ्रेंड्स कैशबिन यूजर्स के लिए अच्छी बात है जहाँ पे फ्रेंड्स इनको मिलेगा 3 मंथ का रिलीफ। जहाँ पे कस्टमर परेशान हो गए थे, जहाँ पे कंटिन्यूसली उनको मैसेज कॉल जा रहे थे कि आपको रिपेमेंट करना है, लोगों का 10-15 दिन से यहाँ पे रिपेमेंट रुका हुआ है, तो देखिए फाइनली यहाँ पे आपको मिल सकता है रिलीफ। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है बॉक्स में कस्टमर केयर नंबर और इसके बाद में यहाँ पे COVID-19 रिलीफ ईमेल फॉर 3 मंथ मॉरेटोरियम कंसर्न, तो देखिए प्लीज़ यहाँ पे आपको जाके सिर्फ इनको मेल करना है, आपका इंस्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि यदि आपको यहाँ पे 3 मंथ का ईएमआई रिलीफ चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपका लोन आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा मेल आईडी में और यहाँ पे क्विक प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो प्लीज़ यार आपका लोन आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर इनको भेज दीजिए, इंस्टेंट आपको 3 मंथ का यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का अपडेट। मैं हमेशा यार ऐसे अच्छे अपडेट और अच्छे एप्लीकेशन के बारे में आपको हमेशा बताते रहूँगा, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त के साथ में शेयर करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।